कोटियाकु नेइ उभय आंध्र ओ ओडिसा मध्यरे विवाद लागि रहिथिबा बळे कोटियार विकास पाई राज्य सरकार अनेक योजनार सुअ एबे छुटाइछन्ती। जीवन ओ जीविका उभयकु नेइ राज्य सरकार गुरुत्व देइछन्ती। एहा भितरे कोटियार पहाड़ देशरे एबे कोरापुट जिला प्रशासन आरंभ करिछि स्ट्रॉबेरी चाष। कोटियारे नुआ चासर आरंभ, पहाड़ तले स्ट्रॉबेरी चाष। स्ट्रॉबेरी चाष पाई सुहाइला कोटियार उत्तम जलवायु और माटी। आगे आसिला कोरापुट जिला प्रशासन जोगाइला सहायतार हाथ। प्रथम थर पाई जिला प्रशासन एबे पहाड़ पादेश आरंभ करिछि स्ट्रॉबेरी चाष। सफल चाष पाई लोकंकु तालीम देबा सह मागणारे चारा सहित चाषर समस्त उपकरण जोगाउछि। स्ट्रॉबेरी चाष पाई मुख्यतः गंगा जमुना और भंडार घरणी नामक तीनोटी स्वयं सहायक गोष्ठी को दायित्व दिया जाएगी। आगुकु अधिक स्वयं सहायक दल को एथिपाई जोगाई दिया जीव बोली जिला प्रशासन रा अधिकारी कहिछंती। ग्रामवासी मानकर उपस्थित रे आमे स्ट्रॉबेरी संपर्कित आलोचना करथिलु। सेमानकु ए स्ट्रॉबेरी चासर लाभक्षति संपर्क रे मध्ये सूचाइथिलु। परे सेमाने आग्रह देखाइथिले एवं डोलियांब गाँव रे चाष करिया पई आमकु सम्मति प्रदान करथिले। परवर्ती पर्याय रे समस्त पदक्षेप आमे नेइथिलु। क्षेत्र परिदर्शन करबा सहित सेठारे ड्रिप मल्चिंग एवं पानीर सुविधा करा जाई आजि सेठारे स्ट्रॉबेरी मध्ये प्लांट लगा सरिछि। केवल अपेक्षा रहिछि सेमानकर फळ केबे फळिबो एवं सेमानक पॉकेट को दीपैसा भलो मिलिबो। ए स्ट्रॉबेरी अमल पई लागुछि 3 मासर समय। ड्रिप सिस्टम रे हुछि चास जहा ए अंचल रे नुआ ओ आगु को एहार चाहिदा बढ़िबो बोली प्रशासन आशा करिछि। आईटीडीए ओ हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कोटिया रे आरंभ होईछि एही चास। आगामी दिन रे चासी को आय को द्विगुणित करबा हेउछि एहार मूल लक्ष्य। टिया पंचायत रो 8टी गां को पठेई सेठी कोई भाषा रे ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି 111 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଡୋଲିଆମ୍ବ ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାର ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଅଛି ସେହି ପ୍ରହଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଜନକ ହେବ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବାର ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସହ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ 11 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳକୁ 6,50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପଇସାର ନେଣଦେଣ କରିବା ଓ ଋଣର ସହାୟତା ପାଇଁ କୋଟିଆରେ ଏକ ଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତୀଶ ବିଶ୍ୱାସ ରୟଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।